दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्लांट्स में सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। बोले तो रूट से स्टेम तक कैसे जाएंगे, स्टेम से लीफ तक कैसे जाएंगे, और अगर खाना लीफ में बन रहा है तो वो लीफ से दूसरे पार्ट्स में, स्टेम में, रूट में खाना कैसे जाएगा। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में ब्लड होता है और सब्सटेंस ब्लड में घुलकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में ब्लड होता नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, देखिए भाई ये प्लांट है, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि कोई सब्सटेंस ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से आ जाता है। देखिए इस टर्म को समझने के लिए, ये हमारा क्या है, प्लांट है, यहां पर सॉइल है, सॉइल से सब्सटेंस रूट में जाएगा, रूट से सब्सटेंस स्टेम में जाएगा, और स्टेम से सब्सटेंस इसकी ब्रांचेज में होता हुआ इसकी लीफ में चला जाता है, यानी कि पूरे प्लांट के पार्ट में सब्सटेंस मूव कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा बस होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये भी पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इसका नाम दिया गया, जो बसों का विभाग है। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, स्पेशली किस में बात कर रहे हैं, प्लांट्स में बात कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको दो टर्म्स को समझना पड़ेगा, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें एनर्जी लगती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, विदाउट एनर्जी की, जिसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। जैसे देखेंगे यहाँ पे पहला वाला हमारा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा वाला क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ये एक टंकी है, दूसरी टंकी ये है, इन दोनों को हमने एक ट्यूब से जोड़ रखा है, एक पाइप से हमने इनको जोड़ रखा है। इस टंकी में यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ, यहां पे हमने वॉल्व लगा रखा है, और इस टंकी में हमने यहां तक पानी भर दिया है। वाटर जो है यहां पर ज्यादा भरा हुआ और यहां पर कम भरा हुआ है। अब अगर पानी यहां का यहां पर भेजना है तो वॉल्व को खोलेंगे, आराम से पानी इधर चला जाएगा, और अगर हमें पानी को इधर से इधर भेजना है, यानी कि कम टंकी है उसमें कम पानी भरा हुआ है, उसे कम पानी को बड़ी टंकी में ज्यादा पानी भेजना है, तो क्या संभव है? हाँ, एक बात हो सकती है, इसका ढक्कन खोला जाए, बाल्टी डाली जाए, इस बाल्टी के हेल्प से यहाँ पे पानी को डाल दो। दूसरी वाली बात क्या हो सकती है कि यहाँ पे मोटर लगा दो, वो मोटर इस पानी को यहाँ पे फेंक देगी, यहाँ पे भर देगी, ठीक। लेकिन यहां से अगर हम पानी यहाँ पे ले जा रहे हैं तो इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, और जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि विदाउट एनर्जी के, जिसमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, विदाउट एनर्जी के ये ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आ गया भाई? देखिए अब कि अगर यहां इस वॉल्व को खोल दिया जाए तो पानी अपने आप ही इसमें चला आएगा, तो बिना एनर्जी के चला आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब था ट्रांसपोर्ट हो रहा है एनर्जी की हेल्प से, और ये कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट हो रहा है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, इसके अगेंस्ट में हो रहा है, ज्यादा की तरफ, कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, एनर्जी की हेल्प से हो रहा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा कि
ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है विदाउट एनर्जी जाएगा, तो उसमें हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यही हम देखते हैं, ये हमारा प्लांट है, ये प्लांट हो गया हमारा, ठीक। अब इस प्लांट में क्या होता है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल यहां पर ज्यादा है और ये रूट है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स की कहां पर होगी, सॉइल में, रूट की सेल में कम होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन, तो पानी के मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चले जाएंगे, तो बोले तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, हायर से लोअर में जा रहा था, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ सेल में बहुत कम है, तो हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। और अगर मान लीजिए ये जो है वाटर मॉलिक्यूल जहां पर कम है और अंदर जो है एक दूसरा केस ले रहे हैं हम, ये प्लांट की जड़ है, रूट है, प्लांट की रूट में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो यहां से जो बाहर कम है यहां से अगर वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाएंगे तो कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ एनर्जी की हेल्प से जाएंगे, प्लांट की सेल वाटर के मॉलिक्यूल को अंदर लेने के लिए, अपने सेल में अंदर लेने के लिए एनर्जी खर्च करेगी, एनर्जी की हेल्प से जब ये जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दो मेन चीज हमें समझाने वाली बात थी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इनमें दोनों में ये डिफरेंस देखा, ये कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाता है और ये कंसंट्रेशन के साथ जाता है, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, विद हेल्प ऑफ एनर्जी। एनर्जी की हेल्प से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट, यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का अगेंस्ट है, यानी कि लोअर से हाई में जा रहा है, एनर्जी की हेल्प से जा रहा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के यूज से जब मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारे दो तरह के ट्रांसपोर्ट थे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की दो टर्म्स। अब बात आती है मॉलिक्यूल्स प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, सबस्टेंसेस और ये क्या होने चाहिए, सबस्टेंसेस वाटर सॉल्यूबल, सबस्टेंस मूव टू वन प्लेस ऑफ प्लांट टू अनदर प्लेस। ऑफ अनदर प्लेस ऑफ प्लांट, सॉरी सबस्टेंस एक प्लांट के एक जगह से उसी प्लांट के दूसरे जगह पर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। दिस प्रोसेस
इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है भाई, अब एक टर्म और आता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? ये हमारा प्लांट है और आपको पता है लीफ में, लीफ का यहां पर देख लीजिए आप, ये लीफ है। लीफ में छोटे छोटे पोर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जब वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट के एरियल पार्ट से उड़ता है, निकल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन। लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जब प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन। पानी कहां से ले रहे हैं हम? जमीन से पानी ले रहे हैं, रूट्स पानी ले रही हैं, ये उसको ऊपर दे रही हैं। जब ऊपर जा रहा है ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी एक आती है कि कैसे पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, आगे वाली क्लासेज में आप देखेंगे। अब वाटर एरियल पार्ट, एरियल पार्ट बोले तो प्लांट का जमीन से ऊपर वाला हिस्सा, जमीन से प्लांट के ऊपर वाले हिस्से से जो पानी वेपर के फॉर्म में लॉस हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन। बिल्कुल क्लियर हो गई चीज, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर पानी का लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के एरियल पार्ट से पानी जो लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझा, पैसिव ट्रांसपोर्ट समझा, ट्रांसलोकेशन समझा और ट्रांसपायरेशन समझा, ये आपने चीजें समझ ली। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में वाटर मॉलिक्यूल के कौन ले जा रहा है और फूड के मॉलिक्यूल्स को कौन ले जा रहा है। अब हम देखेंगे इसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है प्लांट में। ये पौधा है और एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, यहां जमीन में पानी दिया, इंक वाला पानी दिया था, यानी ब्लू कलर की इंक मिला के उसने पानी दिया था, लगातार पानी देता रहा, लगातार पानी देता रहा एक महीने तक। फिर इस प्लांट को बीच में से काट दिया, यहां से इस प्लांट को काट दिया और काटने के बाद देखा स्टेम में एक स्पेशल पार्ट ही ब्लू कलर का हुआ था और कोई पार्ट ब्लू कलर का नहीं था। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि प्लांट में वाटर को जो ऊपर ले जा रहा है वो एक कोई स्पेशल टिश्यू है जो प्लांट में वाटर को ऊपर ले जा रहा है, बाकी सारा जो स्टेम है उसमें से होके वाटर ऊपर नहीं जा रहा। तो ये जो टिश्यू है इसका नाम क्या है, जाइलम। आप कैसे याद रखेंगे, वाटर का मतलब क्या होता है, जल। ले कौन जा रहा है, जाइलम। तो जा से जल, जा से जाइलम, आप इसे लिंक बना सकते हैं। तो वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम। जाइलम के चार पार्ट होते हैं, जाइलम ट्रेकियार्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स।
लेकिन जो मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव कराने में हेल्प करते हैं, वो हमारे कौन से हैं? जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रेकियास, जो छोटे वाले प्लांट होते हैं, जमीन से मात्र इतने वाले प्लांट्स होते हैं, ज्यादा 1-2 फुट तक के प्लांट होते हैं, उनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते, वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। जैलम ट्रेकियार्स, ये सारे हायर प्लांट्स में पाई जाती हैं। आपके जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइट्स है, उनमें सब में ये जैलम ट्रेकियार्स पाई जाएंगी। और ये जैलम वेसल्स सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं और जिम्नोस्पर्म के नीटेल्स वाले ग्रुप में पाई जाती हैं, बाकी ये जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती। अब ये जैलम ट्रेकियार्स जो होती हैं, पतली पतली नुकीली नुकीली सी सेल्स होती हैं, जो डेड सेल्स होती हैं। पहली बात तो है कि ये दोनों ही डेड सेल्स होती हैं, पहले थी, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म सूख गया, बेकार हो गया, तो ये डेड सेल है। तो डेड सेल है तो अंदर साइटोप्लाज्म होगा नहीं, न्यूक्लियस वगैरह कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे इनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे वाटर एक ट्रेकियार्स से दूसरे ट्रेकियार्स में ऊपर चलता चला जाता है, एडेशन एंड कोहेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एडेशन प्रॉपर्टी क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये है कोई ट्यूब, वाटर मॉलिक्यूल्स इस ट्यूब के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता हुआ ऊपर चलता है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। अगर हम ट्यूब में किसी में पानी भर देंगे तो पानी के मॉलिक्यूल ऐसे देखेंगे आपको, यानी कि इसको आप क्या कर, वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे मटेरियल के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एडेशन। और एक होता है कोहेशन, वाटर मॉलिक्यूल खुद ही के वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे तुमने देखा होगा बरसात में जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो पानी की बूंद गोल हो जाती है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जब एक दूसरे को अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो गोल संरचना बन जाती है। तो ये वाली कहानी है, आप इतना याद रखें बस, एडिशन का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू अनदर मॉलिक्यूल। दूसरी वाली बात, कोहेशन प्रॉपर्टी, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए, जैलम ट्रेकियार्स पतला पतला होगा और जैलम वेसल्स ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैलम ट्रेकियार्स की अपेक्षा जैलम वेसल्स जो होती हैं वो बड़ी होती है, थिक, इनमें जो है डायमीटर जो है ज्यादा होता है। तो जैलम वेसल्स तो ये होंगी आपकी और जैलम ट्रेकियार्स आपका ये होगा, और ये दोनों क्या करते हैं, वाटर को नीचे से ऊपर भेजने में हेल्प करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स को जमीन से जड़ में लेंगे और जड़ में जैसे ही जाने के बाद हमारा जैलम होता है, जैलम ट्रेकियार्स और जैलम वेसल्स, तो जमीन से ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स किसके द्वारा ऊपर जाएगा, जैलम्स के द्वारा। जैलम्स के कितने पार्ट है जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, दो, जैलम ट्रेकियार्स और जैलम वेसल्स। तो ये जैलम की कहानी हो गई, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को मिनरल्स को प्लांट में ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, कौन, जैलम। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड यहाँ पे क्या आता है, सुक्रोज के फॉर्म में आता है। प्लांट में आपने देखा था फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सुक्रोज कहेंगे। तो सुक्रोज के फॉर्म में फूड प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, भैया खाना कहाँ बन रहा है, लीफ में बन रहा है, खाने की जरूरत और उसकी रूट को भी है, खाने की जरूरत प्लांट के स्टेम को भी है, तो लीफ से खाना जो है स्टेम में किसके थ्रू जाएगा, रूट में किसके थ्रू जाएगा, जो टिश्यू खाने को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोएम। ऐसे यहां पे लगा सकते हैं, फासे फूड, फासे फ्लोएम, जैसे हमने देखा था जा से जैलम और जा से जल, तो ये चीज देखेंगे। अब फ्लोएम में जो होती हैं, दो स्पेशल एलिमेंट होते हैं, फ्लोएम में दो स्पेशल सेल्स होंगी जो फूड पार्टिकल्स को प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती हैं। पहला है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब कह लीजिए, दूसरा है
कंपेनियन सेल्स, ये दोनों ही लिविंग होती हैं, लिविंग सेल्स मिलकर बनते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। प्लांट में एक क्वेश्चन आ जाता है, प्लांट में ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कौन सी है? सीव ट्यूब। या यहाँ पर अगर न्यूक्लियस होता तो यहाँ पर सीव सेल नाम देते हम, सीव ट्यूब कह लीजिए, सीव एलिमेंट कह लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसी सेल जो प्लांट में जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, शुरुआत में तो होता है, उसके बाद में डिसअपीयर हो जाता है, तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट यहाँ पर। ये भैया हमारी सीव ट्यूब है, इसके जो साइडें पाई जाती हैं वो क्या पाई जाती हैं? कंपेनियन सेल्स। ये हमारी जो है कंपेनियन सेल है, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब इसका न्यूक्लियस इसके साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। जो छोटे छोटे इनके बीच में पोर होते हैं उनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ये इसका जो न्यूक्लियस है इसके साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करेगा, और फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं यहां से एक सेल से दूसरी सेल में जाएंगे। कहां से जाएंगे भैया? फूड कहां पे बन रहा है? लीफ में बन रहा है। लीफ से कहां पर जाएगा? स्टोरेज ऑर्गन में जाएगा, फ्रूट वगैरह में चला जाता है, और हमारा प्लांट में चला जाता है, हमारी रूट में चला जाता है। तो किसके द्वारा जाता है? फूड, सीव ट्यूब के द्वारा। मेनली ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रहा है? सीव ट्यूब के द्वारा। फ्लोएम का कौन सा पार्ट? सीव ट्यूब। कंपेनियन सेल का क्या रोल है इसमें? क्योंकि वो सीव ट्यूब को कंट्रोल करती है, ठीक है। कंपेनियन सेल्स में बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट होता है, नहीं, इसका मेन फंक्शन है सीव ट्यूब को कंट्रोल करना। जो मेन फूड ट्रांसपोर्ट होगा वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होगा। दोस्तों हमने जाना था कि प्लांट्स में मॉलिक्यूल्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अगर वाटर और मिनरल्स की बात करें तो किसके द्वारा जा रहे हैं? किसके थ्रू जा रहे हैं? जाइलम के थ्रू जा रहे हैं। और अगर हम बात करें फूड की, बात करें फूड में मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो ये किसके द्वारा जा रहे हैं? हमारे फ्लोएम के द्वारा जा रहे हैं। तो आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा, बिल्कुल समझ में आ गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा, वो भी समझ में आ गया। ट्रांसलोकेशन देखा, वो भी समझ में आ गया। ट्रांसपायरेशन देखा, वो भी समझ में आ गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देखा, जाइलम के थ्रू हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखा, वो किसके थ्रू हो रहा है? फ्लोएम के थ्रू। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।